अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिवीजन कर रहे हैं, पार्ट टू, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा पार्ट टू है। द फॉलोइंग आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कुछ मेजर्स, कंप्यूटर्स एट होम, एजुकेशन एंड रेफरेंस, म्यूज़िक, कम्युनिकेशन, साइंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, बिजनेस, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री। कंप्यूटर एट होम, घरों में, एजुकेशन एंड रेफरेंस, एजुकेशन और रेफरेंस में, म्यूज़िक में, कम्युनिकेशंस में, साइंस एंड रिसर्च इंजीनियरिंग्स में, बिजनेस में, मेडिकल एंड हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग्स में होते हैं और मिलिट्रीज में, गवर्नमेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट बाय पुलिस, थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन्स में। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर एट होम। कंप्यूटर एट होम, कंप्यूटर आर यूज फॉर एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट एट होम्स। कंप्यूटर जो है घरों में हम इंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर आर यूज फॉर राइटिंग लेटर, थीस, ईमेल, प्लेइंग गेम्स, चैटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, क्रिएटिंग ऑन स्मॉल पब्लिकेशंस एक्सेट्रा। कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है लेटर्स लिखने के लिए, थीस के लिए, ईमेल्स के लिए, प्लेइंग गेम्स और चैटिंग, लिसनिंग म्यूजिक और क्रिएटिंग स्मॉल पब्लिशिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, फॉर मंथली एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। कंप्यूटर में हम अपनी मंथली जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखने के लिए, उन चीज़ों को रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। In fact, anything that you can dream of must be having small, big role of computer it. हम अपनी छोटे छोटे चीज़ें हो या बड़े बड़ी चीज़ें हो उनके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर वहाँ पे भी अपना रोल पैदा करते हैं। Many sophisticated machines, बहुत सारी sophisticated machines जैसे कि microwaves, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, दैट वी यूज़ एट आवर होम्स कंटेंट एम्बेडेड कंप्यूटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैबलेस परफॉर्मेंस। ये चीज़ें हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े धोने के लिए, हमारे खाने के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। ये अपना अपना हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, और उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एजुकेशन एंड रेफरेंस, टुडे कंप्यूटर आर इफेक्टिवली यूज इन क्लासरूम, म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज। आज के दौर में कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहा है क्लासरूम्स में, म्यूजियम्स में और लाइब्रेरीज में। इन क्लासरूम कंप्यूटर आर यूज टू डेवलप साइंस प्रोजेक्ट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, गैदर इंफॉर्मेशन एंड एज एन इंट्रैक्टिव लर्निंग पोल। और अब हम क्लासरूम्स में भी यूज़ कर रहे हैं और साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए भी डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और गैदरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, इंट्रैक्टिव लर्निंग पोल के लिए, ठीक है। एयर लाइब्रेरी पीपल कैन रीड मैगजीन्स एंड जर्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम ए कंप्यूटर टर्मिनल, दे डोंट नीड टू सर्च द सेवलेस फॉर ऑर्गेनल्स। जो लाइब्रेरी में जो लोग, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं मैगजीन जर्नल्स वगैरह, वो डायरेक्ट कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू वो पढ़ सकते हैं, उनको किसी चीज़ को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर इज़ यूज फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट यूजिंग सीडी। कंप्यूटर जो है वो हम पढ़ाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीडीएस। इन म्यूजियम कंप्यूटर आर यूज टू एक्सप्लोर टॉपिक इन डिटेल एंड रिसीव इंफॉर्मेशंस
और हम कंप्यूटर जो है वो यूज़ करते हैं एक एक्सपोजर टॉपिक के लिए, जो जिससे हमारा हम सारा इंफॉर्मेशन जो है उसका पूरा डिटेल जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, टुडे ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग इज़ पॉसिबल थ्रू नेटवर्क। आज की लर्निंग के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ये जो है वो पॉसिबल्स है नेटवर्क। ठीक है, अ स्टूडेंट सिटिंग एट होम कैन स्पीक हिज हर टीचर एंड गेट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्वेरीज। आज के जो बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठ के अपनी टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, अपनी टीचर्स से जो भी चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, क्लासरूम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसी तरह वो लोग ऑनलाइन जो है वो बच्चों को टीचर पढ़ा सकते हैं, कोई टॉपिक है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक, कंप्यूटर आर यूज़ एंड क्रिएटिव टूल टू क्रिएट म्यूज़िक। कंप्यूटर जो है वो एक क्रिएटिव टूल जो है वो म्यूज़िक के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस अमेजिंग थिंग्स हैपन विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। ये जो अमेजिंग थिंग्स जो है वो किसकी मदद से होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस की मदद से। Which is the stand for synchronizing hardware and software that produce electronic notes depicting music। और ये जो है वो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नोट म्यूज़िक के लिए। ठीक है, यूज़ MIDI, यहाँ पे भी हम MIDI जो है वो यूज़ करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। A music composer can play various part for the same pieces of music on MIDI keyboard and then put them the same piece of music on MIDI keyboard them together to create something a complex sense। वो जो music composer है वो अलग अलग तरह के parts जो है वो play कर सकते हैं MIDI कीबोर्ड के थ्रू, और वो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आल्सो एबल्स अस इन एडिटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ साउंड। कंप्यूटर जो है वो हमें साउंड्स को कंट्रोल करना, एडिटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, दिस मीन्स दैट ए कंपोजर कैन कंट्रोल द एक्जैक्ट साउंड ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट बिफोर कंबाइनिंग इट विद अदर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब कंपोजर जो है वो एक्सेट साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं हर इंस्ट्रूमेंट्स से पहले। ठीक है, विद अदर इंस्ट्रूमेंट, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डांस आल्सो। कंप्यूटर जो है वो डांस फील्ड में भी यूज़ होता है। एज अ कोरियोग्राफर्स टूल द कंप्यूटर कैन बी यूज इन द सेम मैनर एज एन ऑस्ट्रिकल कंपोजर माइट यूज ए पियानो। जैसे कि एक कोरियोग्राफर्स जो है, कोरियोग्राफर्स है, उसी तरह से कंप्यूटर भी, कंप्यूटर के थ्रू लोग जो है वो डांस सीख सकते हैं एक सेम मैनर में। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, पियानो। इन टीचिंग डांसिंग कंप्यूटेड डांसिंग फिगर्स आर यूज। यहाँ पे डांस सीखने के लिए और डांसिंग का फिगर सीखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइडियल्स मूवमेंट्स आर शो स्लोली ऑफ फास्ट स्पीड। एग्जांपल की जैसे कि एक मूवमेंट है उसको शो करना है तो वो हम स्लोली करना है या फास्ट करना है। जैसे कि हम कंप्यूटर पे एक वीडियो प्ले करेंगे डांस का, तो उसको हम जैसे हम चाहते हैं उसी तरह से हम उसको प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, फिर उसी के हिसाब से हम डांस सीख सकते हैं। ठीक है, विच आर इम्पॉसिबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इट स्लोली बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम विद बैलेंस आवर मोमेंट। वहाँ पे हमें ये पॉसिबल है, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पे हम विथ बैलेंस आवर मोमेंट्स के साथ हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, कंप्यूटर्स कोल्ड आल्सो बी यूज एज ए टीचिंग एड फॉर स्टूडेंट एंड क्लैरिफाई स्टेप विद कम्प्लेक्स अल्टरनेटिव सच एज द 16 फॉर्म्स ऑफ PSD
ब्रोरियर इन बेल्ट। कंप्यूटर जो है वो एक स्टूडेंट को क्लियर कर देते हैं, हर स्टेप क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और हर स्टेप जो है वो कॉम्प्लेक्स के साथ, अल्टरनेटिव के साथ, और सिक्स फॉर्म्स सच एज 16 फॉर्म्स ऑफ एस इज डी ब्योरी इन बेल्ट, इन सब के साथ कंप्यूटर जो है वो बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं हर स्टेप, ठीक है, सीखने के लिए हर क्लैप जो है, हर स्टेप जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक यहीं तक, कल हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।